स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज का ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को गूगल फॉर्म को बनाने में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे लोग गूगल फॉर्म्स को जानते हैं, उन्हें यूज भी कर रहे हैं, फिर भी कभी कभी कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिसके बारे में वो लोग नहीं जानते हैं और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं गूगल फॉर्म को एकदम बेसिक लेवल से बनाना बताऊंगा। आप अपने जीमेल अकाउंट से गूगल फॉर्म को किस तरह से बना सकते हैं, ये स्टेप्स उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन लोगों ने अभी तक गूगल फॉर्म नहीं बनाया है या जो लोग गूगल फॉर्म को यूज करना चाहते हैं, अपने खुद के फॉर्म्स बनाना चाहते हैं और जिन्हें नहीं पता है कि गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है, उनके लिए इस वीडियो में मैं गूगल फॉर्म को बिल्कुल बेसिक से बनाना बताऊंगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में गूगल फॉर्म को कैसे बनाना है, क्या क्या उसके अंदर सेटिंग्स करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस उनके अंदर हैं, किस तरह की चीजें गूगल फॉर्म के अंदर आपको मिलती हैं, आप डिजाइनिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, गूगल फॉर्म को क्विज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, कॉपी कैसे कर सकते हैं, उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं उन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सेज को कैसे देख सकते हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। आप लोगों को ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। दोस्तों यहाँ पे मैंने मेरा जीमेल अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको बेसिक लेवल से बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने जीमेल अकाउंट में हैं और आप अगर गूगल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से गूगल फॉर्म को बना सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग नए हैं उनके लिए स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसे हम गूगल एप्स कहते हैं, ठीक है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको गूगल फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सिंपली क्या करिए, ड्राइव के आइकन के ऊपर क्लिक करिए। ठीक है, ड्राइव के आइकन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ड्राइव है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, जिस अकाउंट से आपने लॉगिन करा हुआ था उसी अकाउंट से आपकी ड्राइव जो है वो ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिखाई देगा। मोर के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको गूगल फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। गूगल फॉर्म के ऑप्शन के अंदर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ब्लैंक फॉर्म और फ्रॉम अ टेम्पलेट। आपको ये दोनों ही ऑप्शन अभी सिलेक्ट नहीं करने हैं क्योंकि मैं आपको गूगल फॉर्म का इंटरफेस बताने वाला हूँ कि गूगल फॉर्म जहाँ पे आपके सारे फॉर्म्स आपको दिखाई देते हैं वो किस तरह से दिखाई देता है। तो ये बेसिक विंडो है गूगल फॉर्म की जहाँ से आपको आपके सारे पुराने गूगल फॉर्म मिलते हैं। ठीक है, इस विंडो पे आप किस तरह से आ सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। अगर आप कोई फॉर्म बना लेते हैं और अगर आपको अपने सारे फॉर्म्स को देखना है तो आप इस विंडो पे कैसे आ सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये URL है फॉर्म्स की, docs.google.com/forms। ठीक है, इतना फॉर्म्स की URL होता है। आप गूगल फॉर्म को एक दूसरी तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं गूगल फॉर्म्स के लिए, आप लिख सकते हैं गूगल फॉर्म्स। ठीक है, इतना लिख के अगर आप सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे गूगल फॉर्म्स का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए नीचे यहाँ पे वही लिंक दी हुई है, docs.google.com फॉर्म्स। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिस भी अकाउंट से आप लॉगिन होंगे उस अकाउंट से बाय डिफॉल्ट आप गूगल फॉर्म्स के विंडो पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये विंडो और वो विंडो दोनों सेम है, आप डायरेक्टली भी इंटरनेट के थ्रू आ सकते हैं और इस तरह से ड्राइव के थ्रू भी आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास कुछ ब्लैंक टेम्पलेट्स होती है या कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होती है जिनका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने कोई फॉर्म पहले बनाया तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं या आप स्टार्टिंग से भी फॉर्म बना सकते हैं ब्लैंक फॉर्म को यूज करके। तो मैं आपको ब्लैंक फॉर्म को यूज करके फॉर्म कैसे बनाना है ये बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ब्लैंक के ऊपर क्लिक करा, अब ये फॉर्म जो है ये ओपन हो गया है। ठीक है, एकदम ब्लैंक पोजीशन में ये है। यहाँ पे ध्यान देने की चीजें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वो आइकन है जिससे आप फॉर्म्स की विंडो पे वापस जा सकते हैं। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे आएगा फॉर्म्स होम। ठीक है, ये आपके फॉर्म का टाइटल है जो आपको दिखाई देता है। ठीक है, जब आप फॉर्म्स की विंडो पे होते हैं यहाँ पे जो आप टाइटल लिखेंगे वही टाइटल आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं या दोनों टाइटल अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म का टाइटल यूजर्स को दिखाई देगा और ये फॉर्म का टाइटल आपके लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें और दी हुई है, क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सेज। ठीक है, आप जब फॉर्म बनाते हैं तो आप क्वेश्चंस मोड में होते हैं और जब आपको रिस्पॉन्सेज देखना होता है तब आप रिस्पॉन्सेज मोड में चले जाते हैं। यहाँ पे आपको आपके सारे रिस्पॉन्सेज दिखाई देंगे जब यूजर इन फॉर्म्स को फिल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देता है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, आप जब चाहें अपने फॉर्म को ऑफ और ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये ऑन कंडीशन में है, इसको कोई भी सबमिट कर सकता है। अगर आप किसी यूजर के साथ शेयर करेंगे तो इसे कोई भी सबमिट कर सकता है। अगर आप अपने पार्टिसिपेंट्स को इस फॉर्म को एक्सेस देने के बाद चाहते हैं कि वो इस फॉर्म को एक्सेस ना कर पाए तो आप यहाँ पे
क्लिक करेंगे तो ये नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज की कंडीशन में आ जाएगा, मतलब ये फॉर्म उनके पास रहेगा बट वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से फॉर्म जो है वो ऑफ हो जाएगा। अब अगर आपको फॉर्म के सारे रिस्पॉन्सेज एक जगह पे देखने हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इन तीन डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड रिस्पॉन्सेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप अपने सारे रिस्पॉन्सेज को डाउनलोड कर सकते, ठीक है, इस तरह से आप अपने सारे रिस्पॉन्सेज को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है जो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे कस्टमाइज थीम का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप हेडर में इमेज चूज कर सकते हैं, जैसे आप चूज इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रीडिफाइंड इमेजेस हैं जिन्हें आप सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए इमेज इंसर्ट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है कि आप अपनी बनाई हुई इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्राउज को क्लिक करके आप यहाँ पे इमेज को अपलोड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन होता है गूगल फोटोज में, अगर कोई फोटो आपने बना के रखी हुई है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा यूज आने वाले ये दो ऑप्शन है हेडर इमेज के लिए, थीम्स और अपलोड, ठीक है। प्री डिफाइंड थीम्स आपके पास है और अपलोड, अगर आप अपलोड करना चाहते हैं अपने सिस्टम से तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थीम कलर है, यहाँ पे आप अलग अलग कलर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने फॉर्म के लिए, ठीक है। दूसरा फिर बैकग्राउंड कलर है, ये जो बैकग्राउंड का कलर है ये आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे जिस तरह का इमेज आप लेंगे उस तरह की कलर्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये कलर्स आ गए, ठीक है, तो आप अलग फॉर्म के लिए अलग अलग कलर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन हो गए थीम से रिलेटेड। फिर यहाँ पे ऑप्शन है प्रीव्यू का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म बना लिया है या आप फॉर्म बनाते बनाते उसका एक प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप इस प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ये व्यू मोड में आपको दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे देखिए अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, रिज्यूम कलेक्टिंग रिस्पॉन्स, ओनली फॉर्म एडिटर्स कैन सी दिस थिंग। अभी क्योंकि मैंने यहाँ से एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स को ऑफ करके रखा हुआ है इसलिए फॉर्म आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए अब मैंने यहाँ से एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स ऑन कर दिया है, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करा तो जितना फॉर्म आपने बनाया है उतना आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका फॉर्म जो है वो यूजर्स को दिखाई देगा। आप जैसे जैसे फॉर्म को बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे व्यू करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अगर आप इस फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म की तरह यूज करना चाहते हैं तो आप यहां से सेटिंग्स के अंदर जाके कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म रख सकते हैं या फिर क्विज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार वापस बता दे रहा हूँ, ये सेटिंग का आइकन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे तीन टैब मिलेंगे, जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विजेस। जनरल के अंदर कलेक्ट ईमेल एड्रेस, अगर आप चाहते हैं कि जो पर्सन फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उनके ईमेल आपके पास आ जाए तो आप इसको टिक कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एक पर्सन एक ही बार फॉर्म को फिलअप कर पाए तो आप लिमिट टू वन रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लिमिट टू वन रिस्पॉन्स करने से क्या होगा, उस पर्सन को पहले अपने अकाउंट पर लॉगिन करना रहेगा फिर वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके यूजर्स डायरेक्टली फॉर्म को फिलअप कर लें तो आप इस लिमिट टू वन रिस्पॉन्स को हटा दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑप्शन है रिस्पॉन्डेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो यूजर्स हैं वो फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसे एडिट कर सकते तो आप इसे टिक कर दीजिए वरना आप इसे हटा दीजिए। फिर यहाँ पे ऑप्शन है सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो यूजर्स हैं वो समरी देख पाएं कि कितने लोगों ने आपके फॉर्म भरे हैं या कितने रिस्पॉन्सेस आए हैं तो आप इसे टिक कर दीजिए वरना आप इसे यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। ये हो गया जनरल टैब के बारे में। अब प्रेजेंटेशन टैब के बारे में आपको बता दूं, अगर आप अपने फॉर्म में प्रोग्रेस बार दिखाना चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर दीजिए। अगर आप अपने फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस को शफल करना चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके यूजर जब फॉर्म को सबमिट करें तो उन्हें एक बार और सबमिशन करने के लिए लिंक दिखाई दे तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब एक रिस्पॉन्स सबमिट होने के बाद दूसरा रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए वहां पे लिंक आ जाए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कोई यूजर सिर्फ एक ही बार सबमिट कर पाए तो आप इसे यहां से हटा दीजिए ताकि उसे लिंक नहीं दिखाई देगी तो वो वापस सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन टैब के बारे में हो गया। अब आ गया है क्विजेस। क्विजेस के अंदर सबसे पहले अगर आप इस फॉर्म को क्विज बनाना चाहते हैं, नॉर्मल फॉर्म में आपको मार्क्स नहीं दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे अभी आपको कुछ भी टोटल मार्क्स या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आप इसे क्विज बनाएंगे तो आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स दिखने लग जाएंगे। अभी जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो क्विजेस बनाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है कि मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स को आफ्टर सबमिशन ही दिखने लग जाएं, ठीक है। क्विज के जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स को डायरेक्टली सबमिशन के बाद दिखने लग जाएं या फिर लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, आप बाद में उन्हें बताना चाहते हैं। ये दो ऑप्शन आपके पास है, इमीडिएटली या फिर लेटर। तो अगर आप इमीडिएटली दिखाना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली के ऊपर क्लिक कर दीजिए, अगर आप बाद में दिखाना चाहते हैं तो लेटर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद रिस्पॉन्डेड कैन सी
जो यूजर क्विज को अटेम्प्ट कर लेगा उसको क्या क्या दिखाई देगा, मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यू। ठीक है, आप उसे करेक्ट आंसर जो उसने दिए हैं वो दिखाएंगे, क्विज को अटेम्प्ट करने के बाद पॉइंट वैल्यूज कितने पॉइंट उसे मिले हैं वो आप दिखाएंगे क्विज को अटेम्प्ट करने के बाद। ठीक है, इतना करके आपको सेव कर देना। देखिए जैसे मैंने सेव करा तो यहाँ पे देखिए टोटल पॉइंट्स आने लगे 0। ठीक है, तो अब आपने इस फॉर्म को क्या कर दिया है, क्विज में कन्वर्ट कर दिया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको इस सेंड बटन के बारे में बता दूं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली मेल के थ्रू किसी के साथ ये फॉर्म शेयर कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आप अपने यूजर्स के साथ इस फॉर्म को शेयर करें मेल के थ्रू, तो यहाँ पे आप सारे मेल एड्रेस डाल सकते हैं एक साथ कॉपी पेस्ट करके, तो ये उन सभी लोगों को चला जाएगा जिनको आप भेजना चाहते हैं फिल करने के लिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऐड कोलैबोरेटर्स। ऐड कोलैबोरेटर्स का मतलब होता है कि इस फॉर्म का जो एडमिन एक्सेस है वो आप अगर किसी यूजर को देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इस फॉर्म का पूरा एक्सेस, मतलब वो यूजर जो कि आपकी तरह वर्क करेगा इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, मतलब आप एक एडमिन है, आप इस फॉर्म को मैनेज कर रहे हैं, तो जिस पर्सन को आप यहाँ ऐड कोलैबोरेटर में ऐड करेंगे वो इस फॉर्म के रिस्पॉन्सेज देख सकता है, रिस्पॉन्सेज डिलीट कर सकता है, फॉर्म्स में किसी भी तरह का चेंज कर सकता है। ठीक है, तो वो एक तरीके से एडमिन हो जाएगा, जैसे आप इस फॉर्म के एडमिन हैं वो भी एडमिन हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा एडमिन बनाने के लिए आप ऐड कोलैबोरेटर्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक लिंक का आइकन भी दिखेगा, इस लिंक के थ्रू भी आप ये फॉर्म शेयर कर सकते हैं अपने यूजर्स के साथ में। जिन यूजर्स से आप ये फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं उनको आप ये लिंक इस तरह से दे सकते हैं, तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे। आपको मेल के थ्रू भेजने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस लिंक के थ्रू भी अपने यूजर को इस फॉर्म को फिल करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेंड का ऑप्शन। अब अगर आप इस फॉर्म को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, अगर इस फॉर्म का एक कॉपी बनाना चाहते हैं, तो ये जो तीन डॉट आपको दिख रहे हैं यहाँ से आप इसका मेक कॉपी कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मूव टू बिन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर इस फॉर्म में आप एडमिन ऐड करना चाहते हैं, ऐड कोलैबोरेटर, तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये जो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ये इस फॉर्म का टाइटल है। ठीक है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। आप इस क्वेश्चन को डिलीट कर सकते थे बट आप इस टाइटल को डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके फॉर्म के अंदर जब कोई एलिमेंट होगा तभी वो फॉर्म कहलाएगा। तो ये जो टाइटल है ये डिलीट नहीं होता। पहला जो टाइटल यहाँ पे प्री डिफाइन होता है वो डिलीट नहीं होता है फॉर्म के अंदर। उसके अलावा आप पूरे फॉर्म को ब्लैंक रख सकते हैं बट इस टाइटल को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके फॉर्म का मेन टाइटल है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं माय क्विज। ठीक है, यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जो भी आप अगर देना चाहें। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऐड क्वेश्चन का, आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चेकबॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, डेट, टाइम, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है इम्पोर्ट क्वेश्चन का। अगर आपने पहले कोई फॉर्म बना रखा है और आप अगर चाहते हैं कि उस फॉर्म के जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्ट हो जाए इस फॉर्म के अंदर, तो आप इस इंपोर्ट क्वेश्चन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं अपने फॉर्म में, अलग अलग टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं अलग अलग क्वेश्चंस के लिए, तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहां पे एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन पहले से ही था, इस क्वेश्चन के बाद एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैंने और ऐड कर दिया। ठीक है, बट ये जो टाइटल है इस टाइटल से थोड़ा डिफरेंस, इस टाइटल का जो फॉन्ट साइज है वो ज्यादा है, इस टाइटल का जो फॉन्ट साइज है वो कम है। ठीक है, क्योंकि ये मेन टाइटल है और ये सब टाइटल है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फॉर्म में कोई इमेज इंसर्ट कर दें, ठीक है, तो आप यहाँ से इमेज के ऊपर क्लिक कर कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से इंसर्ट कर दिया एज अ इमेज। ठीक है, देखिए ये इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट ही एक इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप कोई इमेज इंसर्ट करना चाहें एज अ टाइटल, तो आप यहाँ पे इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके टाइटल को खाली छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ से प्रीव्यू करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे इमेज डायरेक्टली दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह से तो आप अपने प्री डिफाइंड टाइटल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपने टाइटल की इमेज जो है वो यहाँ पे डिजाइन कर लीजिए अलग अलग सेक्शंस में, और यहाँ पे आप एज अ इमेज उसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्री डिफाइंड टाइटल्स की जगह यूजर डिफाइंड टाइटल्स भी बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ इमेजेस। ठीक है, इमेजेस यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से यूज होती है। क्वेश्चन के अंदर भी आपको ऑप्शन मिलता है इमेज का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये इमेज तो मैंने डायरेक्टली इंसर्ट करी थी। अगर आप क्वेश्चन के अंदर है तो क्वेश्चन के अंदर भी आपको ये इमेज का एक आइकन मिलता है। यहाँ से आप हर क्वेश्चन के अंदर अलग अलग इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने वीडियो के ऊपर क्लिक करा और यहाँ पे मैंने सर्च करा,
ठीक है, देखिए तो ये वीडियो आ गया, मैंने इसको सिलेक्ट करा और ये यहाँ देखिए ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो आप डायरेक्टली वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैं ऐसे आपको प्रीव्यू करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने वीडियो को इंसर्ट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन हो गया है, इम्पोर्ट क्वेश्चन हो गया है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन हो गया है, इमेज हो गया है, वीडियो हो गया। अब बात आती है सेक्शंस की। अगर आप अपने फॉर्म में पेजेस बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यूजर्स को एक पेज के बाद दूसरा पेज दिखाई दे, दूसरे के बाद तीसरा पेज दिखाई दे, मतलब आप अपना पूरा फॉर्म एक ही पेज में नहीं बना के अलग अलग टुकड़ों में बनाना चाहते हैं, अलग अलग पेजेस में बनाना चाहते हैं, तो आप ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे एक नया सेक्शन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आफ्टर सेक्शन वन कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन है आफ्टर सेक्शन वन कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको प्रीव्यू करके बता दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये तीन चीजें हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट जैसे ही मैं करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा नेक्स्ट सेक्शन आ गया है। ठीक है, तो आप अपने फॉर्म के अंदर अलग अलग सेक्शन भी बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको कई सारी बेसिक डिटेल्स बता दी हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी डिटेल और बताने वाला हूं कि आप क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं और कितने तरह के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं और उन्हें कब और कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, तो मैं सारी चीजों को डिलीट कर देता हूं जो मैंने यूज करी हुई है और आपको स्टार्टिंग से बनाना बताता हूं कि फॉर्म के अंदर क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। देखिए अब मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट सेक्शन। ठीक है, तो पूरा का पूरा सेक्शन डिलीट हो गया। आप उसे मर्ज भी कर सकते थे ऊपर वाले सेक्शन में वापस, बट मैंने उसे डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे बेसिकली सब डिलीट ही करना था। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ से क्वेश्चन करा। सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट आंसर बना के बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया राइट योर नेम। ठीक है, जैसे ही मैंने करा तो देखिए शॉर्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन टाइप्स मैजिकली अपडेट बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन। जैसे ही आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग ये गूगल फॉर्म जो है अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, उसको आपने रिक्वायर्ड कर दिया। यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को पॉइंट देना चाहते हैं तो आप इसे दे सकते हैं, बट क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपने एज अ शॉर्ट आंसर लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे एड अ करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग करेक्ट आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फ्लिंदा ब्लैंक्स अगर यूज करा है, ठीक है, आप इसको एज अ फ्लिंदा ब्लैंक्स यूज कर सकते हैं। अगर आपने फ्लिंदा ब्लैंक्स यूज करा है तो यहाँ पे फ्लिंदा ब्लैंक्स के जितने भी आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं वो अगर आप यहाँ पे लिख देंगे तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं मार्क ऑल अदर आंसर्स एज इनकरेक्ट। ठीक है, ये सारे करेक्ट आंसर्स हैं और उसके अलावा जितने भी अदर आंसर्स होंगे वो जो होंगे वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आप इसे एक पॉइंट, दो पॉइंट जितने भी देंगे, अगर इनकरेक्ट आंसर में से आपके यूजर ने कोई सही आंसर अटेम्प्ट कर लिया तो उसे मार्क मिल जाएंगे, अदरवाइज जितने भी आंसर्स आएंगे वो सब इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप शॉर्ट आंसर्स को वेरी शॉर्ट आंसर के लिए यूज कर सकते हैं, फ्लिंदा ब्लैंक के लिए यूज कर सकते हैं, कई सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर्स आ गए हैं सारे के सारे, यहाँ पे देखने लग गए हैं, और दो पॉइंट है इस क्वेश्चन के। अब यूजर अगर फ्लिंदा ब्लैंक्स के पॉसिबल आंसर में से कोई सही आंसर यहाँ पे लिख देता है, शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट आंसर के पॉसिबल आंसर में से यहाँ पे कुछ लिख देता है तो उसे पॉइंट मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स के लिए पैराग्राफ टाइप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आप आंसर की में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एड आंसर फीडबैक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट्स देना चाहते हैं तो पॉइंट्स देने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि लॉन्ग आंसर काफी लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट आंसर भी काफी ज्यादा वर्ड्स के होते हैं, तो उसे आपको मैन्युअली ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस को आप यहाँ पे पॉइंट नहीं दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, उसे आप मैन्युअली चेक करें। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है मल्टीपल चॉइस का। मल्टीपल चॉइस में आप जितने चॉइसेस बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं और आंसर की में जाके कोई एक सही ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप इसे पॉइंट दे सकते हैं। अब इसी तरीके से मल्टीपल चॉइस की जगह आप चेकबॉक्स का यूज कर सकते हैं। जब आप चाहते हैं कि आप एक से ज्यादा आंसर्स को सही करवाएं यूजर से, मतलब आपके क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं और यूजर को उन एक से ज्यादा आंसर्स को सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे तीन, चार, दो, कितने भी आंसर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, चेकबॉक्स बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि हम पेपर्स या क्विजेस के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ही यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है ड्रॉप डाउन का। आप अगर प्री डिफाइंड कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप ड्रॉप डाउन यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ये एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस पहले से दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे ये चार ऑप्शन बना लिए हैं और यहाँ से आंसर की में से मैंने इनको हटा दिया है। ठीक है,
ड्रॉपडाउन बेसिकली हम तब यूज करते हैं जैसे हमें क्लास सिलेक्ट करवानी है, 1 से लेकर 10 तक अगर आप क्लासेस दे देंगे तो बच्चा अपनी क्लास सिलेक्ट कर सकता है, ए से लेकर डी तक अगर आप सेक्शन दे देंगे तो बच्चा अपना सेक्शन सिलेक्ट कर सकता है। मैं आपको प्रीव्यू करके बता देता हूँ कि ड्रॉपडाउन कैसा दिखाई देता है। ये होता है ड्रॉपडाउन, ठीक है, जिसमें पहले से वैल्यूज होती हैं, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना होती है, ठीक है। तो ये क्विज में काम में नहीं आता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए काम में आता है, ठीक है। उसके बाद ये फाइल अपलोड का ऑप्शन है, आप अपने यूजर से अगर कोई फाइल अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप इस फाइल अपलोड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखने की जगह आपको मिल जाएगी, इमेज लगाने की आपको जगह मिल जाएगी, अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स, अगर आप चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर फाइल टाइप्स ही यूजर अपलोड कर पाए तो आप उन्हें यहाँ पे टिक कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन अपलोड कर सकते हैं, स्प्रेडशीट अपलोड कर सकते हैं। अगर आप इनमें से एक से ज्यादा चीजों को सिलेक्ट कर देंगे तो वो इन तीनों चीजों को अपलोड कर सकते हैं, बाकी चीजों को अपलोड वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स या यूजर्स से वीडियो या ऑडियो अपलोड करवाना चाहते हैं, पीडीएफ अपलोड करवाना चाहते हैं, इमेजेस अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके यूजर एक से ज्यादा फाइल अपलोड कर सकते हैं तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया 10 तो वो 10 फाइल्स एक साथ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, 10 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, 10 पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप चाहते हैं कि एक यूजर कितने मैक्सिमम फाइल साइज को अपलोड कर पाए तो आप यहाँ से मैक्सिमम फाइल साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 MB, 100 MB, मतलब जो एक फाइल होती है वो इतने MB की होनी चाहिए, इससे ज्यादा अगर होगी तो वो अपलोड नहीं करने देगा, ठीक है। सिंगल जो फाइल है वो 100 MB की चल सकती है, अगर आप 10 MB सिलेक्ट करते हो तो 10 MB से ज्यादा की वो अपलोड करने नहीं देगा, अगर 10 फाइल कर रहा है तो हर एक फाइल 10 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये फाइल अपलोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। देखिए मैं इसका आपको व्यू करके बता दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से ऐड फाइल का ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से आप अपने फाइल को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेट एंड टाइम, डेट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से डेट आपके यूजर सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम अगर आप करते हैं तो टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी तरह की चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए जब आप कोई फॉर्म बना रहे हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें थी इस फॉर्म की जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये टाइटल उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, तो आपको सेव करने की कुछ ज़रूरत है नहीं, ड्राइव में सब सेव हो रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करिए तो आप अपने होम पे आ जाएंगे, फॉर्म्स के जो होम सेक्शन है उस पे आ जाएंगे, देखिए आपका फॉर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म बना सकते हैं, फॉर्म को क्विज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्विज से वापस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस भी तरह की सेटिंग्स या चेंजेस आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इसे उन लोगों के साथ शेयर करिए जिन लोगों को फॉर्म्स बनाने में प्रॉब्लम आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, या जो लोग पुराने हैं और वीडियोज देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों से फिर एक बार मुलाकात होगी एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, स्टे सेफ स्टे एट होम।